लक्ष्मी को देखने के लिए आ गया नया लड़का। और लक्ष्मी को देखने के लिए आए हुए विक्रांत इंडस्ट्री के मालिक यानी कि वो लड़के ने देख लिया ऋषि लक्ष्मी को रोमांस करते हुए। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम लक्ष्मी की शादी करवाने के लिए अनाउंस कर देगी कि आज लड़का देखने आने वाला है इसलिए सब लोग घर में कोई तमाशा नहीं करेगा, तभी ऋषि लक्ष्मी को बुलाने के लिए लक्ष्मी के कमरे में जाएगा और ऋषि को लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी। इसी वजह से जब ऋषि लक्ष्मी के कमरे से जा रहा होगा तभी लक्ष्मी अपने कमरे में आ जाएगी और दरवाजा ऋषि की नाक से टकरा जाएगा और ऋषि की नाक टूट जाएगी और इसीलिए ऋषि लक्ष्मी दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगी। इसीलिए जब लक्ष्मी ऋषि की नाक पे दवाई लगाएगी और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी तुम अपना ध्यान रखना, लड़के वाले तुम्हें आज देखने आ रहे हैं, इसीलिए अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आता है तो उसे तुम बिना सोचे पसंद कर लेना और मैं भी उस लड़के को देख लूंगा कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है क्या नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखें नम हो जाएगी और ऋषि की भी आंखें आंसू से भर आएगी और दोनों ऋषि लक्ष्मी एक दूसरे को गले लगा लेंगे। और जब लक्ष्मी को देखने के लिए शहर के सबसे बड़े विक्रांत इंडस्ट्री के मालिक यानी कि लड़के वाले ऋषि के घर देखने के लिए आएंगे और हॉल में सोफे पर लड़के वाले बैठेंगे तभी लड़के वाले के पापा नीलम से बात करते हुए नमस्ते करके कहेंगे कि लड़की कहाँ है, उन्हें बुलाइए, हमें उन्हें देखना है। तभी यह सुनकर जब नीलम लक्ष्मी को बुलाएगी तभी विक्रांत इंडस्ट्री का मालिक यानी कि वो लड़का मोहित मल्होत्रा खड़ा हो जाएगा और इसीलिए जब लक्ष्मी आ रही होगी तभी पीछे पीछे ऋषि भी लक्ष्मी के साथ आएगा और उस लड़के को यानी कि मोहित को काफी ज्यादा अजीब लगेगा। और जब नीलम लक्ष्मी को लड़के वालों को दिखाती हुई कहेगी कि ये रही लक्ष्मी, यह सुनकर लड़के वाले के पापा लक्ष्मी को पहले ही नजर में देखकर नीलम को कहेंगे कि वाह वाह कितनी सोनी कुणी है, हमें तो ये लड़की पहले ही नजर में पसंद आ गई है, बताइए चलो अब रिश्ता कब तय करें। यह सुनकर नीलम लक्ष्मी को कहेगी लक्ष्मी देखो लड़के वाले इस शहर के बहुत बड़े रईस है, विक्रांत इंडस्ट्री के मालिक है, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। तभी यह सुनकर लक्ष्मी ऋषि के सामने देखेगी और ना चाहते हुए ऋषि लक्ष्मी को इशारा करेगा और इशारों में ऋषि लक्ष्मी को हाँ कहने के लिए कहेगा और लक्ष्मी अपना सर हिलाकर हाँ कह देगी और लड़का वाला यानी कि मोहित इशारों में ही ऋषि लक्ष्मी को बात करते हुए देख लेगा। और इसलिए जब लक्ष्मी का रिश्ता विक्रांत इंडस्ट्री के मालिक के साथ तय हो जाएगा तभी लक्ष्मी रोती हुई अपने कमरे में चली जाएगी और ऋषि को लक्ष्मी के अंदर ही रोने का एहसास हो जाएगा, इसलिए ऋषि भी लक्ष्मी के पीछे पीछे जाएगा और ये सब लड़का वाला देख लेगा। इसलिए जब मोहित खड़ा होगा तभी ऋषि लक्ष्मी को खुश करने के लिए लक्ष्मी को चुप कराकर सबके सामने लाएगा और ऋषि से सबके सामने गलती से लक्ष्मी के साथ नोकझोंक हो जाएगी जिसे देखकर लड़के को एहसास हो जाएगा कि ऋषि और लक्ष्मी के बीच कुछ ना कुछ तो है। इसलिए जब लड़का वाला यानी कि विक्रांत इंडस्ट्री का मालिक ऋषि से सवाल करेगा कि ऋषि क्या तुम सच में चाहते हो कि लक्ष्मी की शादी मुझसे हो जाए, तभी यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और वो लड़का वाला यानी कि मोहित विक्रांत इंडस्ट्री का मालिक समझ जाएगा। इसलिए जब लक्ष्मी की शादी विक्रांत इंडस्ट्री के मालिक के साथ तय हो जाएगी तभी विक्रांत इंडस्ट्री का मालिक ही ऋषि लक्ष्मी को एक करने के लिए बड़ा प्लान बनाएगा और ऋषि लक्ष्मी को ही शादी के मंडप में शादी करवा देगा। और लेकिन अगर लक्ष्मी का रिश्ता ऋषि के अलावा किसी और लड़के के साथ तय हो गया तो आपको कैसा लगेगा, और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को हमेशा एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या फिर अलग, और लक्ष्मी की शादी ऐसे ऋषि को छोड़कर किसी और के साथ होनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।